हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को बटर पेपर बनाकर दिखाऊंगी। ये बटर पेपर एकदम मार्केट के बटर पेपर्स की तरह बनकर तैयार होते हैं। मैं इन बटर पेपर्स का आपको डेमो भी दूंगी। जैसे कि आप वीडियो में देख ही पा रहे हैं कि मैंने इन बटर पेपर को केक बनाने में भी यूज़ किया है और ये एकदम मार्केट की तरह ही काम आया मेरे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन बटर पेपर्स को बनाना। इन्हें बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं A4 साइज की शीट्स। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कोई भी नोटबुक या फिर रजिस्टर के पेज ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर ये पेज भी लिए हैं। मैं इन सब से आपको बटर पेपर बनाकर दिखाऊंगी। सबसे पहले एक पेज लेकर आप या तो रिफाइंड ऑयल ले लीजिए या फिर बटर या घी, जो भी आपको अच्छा लगे आप वो ले लीजिए। मैंने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल लिया है। फिर एक ब्रश लेके या फिर हाथों की हेल्प से आप इनसे अच्छे से अप्लाई कीजिए पेपर पर, कुछ इस तरीके से। पूरे पेपर पर अच्छे से आप ऑयल को ग्रीस कर लीजिए। और हमें ये जो ऑयल है वो दूसरी साइड नहीं लगाना है, क्योंकि एक साइड लगाने की वजह से ही वो दूसरी साइड ऑटोमेटिकली लग जाएगा। तो अब इसके बाद में हमें करना क्या है, आप कोई भी कपड़ा ले लीजिए साफ, और उससे जो एक्सेस ऑयल है आप उसे साफ करते रहिए, कुछ इस तरीके से। आप देख सकते हैं कि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो अपने आप ही कपड़े पर आ गया है। आप इसे फिर पलट कर एक और बार साफ कर लीजिए कपड़े से। इसी तरीके से आपको ये प्रोसेस 3 से 4 बार करनी है इसके साथ में। जब एक्सेस ऑयल हट जाए उसके बाद में आप देखेंगे कि आपका जो पेपर है वो कुछ इस तरीके से हो गया है कि आपको ऑयल नहीं नजर आएगा उसके ऊपर। फिर आप इसको नॉर्मल फैन की हवा में सुखा लीजिए ओवरनाइट के लिए। मैंने यहाँ पर इसे कुछ इस तरह से ट्रे में रखकर सुखाया है। इसी तरीके से आप भी इसे स्ट्रेट ही रखें या फिर लटका कर सुखाएं। अब इसी तरीके से आप और भी पेपर ले लीजिए और उन पर ऑयल लगाना स्टार्ट कीजिए। मैंने चारों पेपर्स को इसी तरीके से तैयार कर लिया है और अब मैं इन्हें कमरे में सूखने के लिए रख दूंगी ओवरनाइट के लिए। फिर आप देखेंगे कि रात भर सूखने के बाद में आपका पेपर कुछ इस तरीके से बनकर तैयार हो गया है। जैसे मार्केट में बटर पेपर मिलता है, ये बिल्कुल उसी तरह से बनकर तैयार हुआ है। मैं अब आपको लाइव डेमो दूंगी कि ये किस तरीके से काम करता है। हमारे यहाँ पर बर्फी बनी थी तो उसमें मैंने इसे यूज़ किया था, तो आप देखेंगे कि ये किस तरीके से काम करता है। अब आप देखेंगे कि जैसे मार्केट के बटर पेपर से इजीली चीज़ें हट जाती हैं, उसी तरीके से ये बर्फी भी इस पेपर से इजीली छूट जाएगी, आप देख ही सकते हैं। तो आप फ्रेंड्स इस पेपर को ज़रूर बनाकर देखें, आपके ये बहुत काम आएगा। एकदम मार्केट की तरह बनकर तैयार होते हैं। और अगर फ्रेंड्स आपको ये बटर पेपर पसंद आए हों तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू एंड बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।